गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? देखें, लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट किया था। आज है हमारा फिफ्थ चैप्टर के कुछ रिटर्न नोट्स मैंने आपको दिए थे, शायद आप लोगों ने वो नोटबुक में तैयार कर लिए होंगे। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और जो इसके पोस्टुलेट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली ही समझाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये। तो देखो फिर क्या है हमारे, तो एक्लूड 5 पोस्टुलेट, एक्लूड ने 5 पोस्टुलेट दिए थे हमें, वो पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट इज अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये कहता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन है मे बी ड्रॉन, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है, जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, अगर हम किसी भी एक पॉइंट से, मैंने यहाँ से कहा यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन है। किसी भी पॉइंट से किसी से भी, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, इसने क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड है, सेकेंड में क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर आपको दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग पॉइंट, देयर इज अ यूनिक लाइन, वहां पर सिर्फ एक ही लाइन होगी दैट पासिस थ्रू देम, जो कि उनसे पास करेगी। जैसे कि मैंने अब आपको सिर्फ ये दो पॉइंट दे दिए, दो अलग अलग है, अब इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास करती है देखना बना के, अगर हम बना के देखते हैं तो सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी और तो कोई लाइन नहीं आएगी, तो वो क्या होती है आपकी, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्लियर है, थर्ड देखते हैं अब, थर्ड में क्या कहता है ये, सॉरी ऑक्सियम था ये आपका 5.1। अब आपका सेकेंड पोस्टुलेट है, सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ए टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड होते कोई भी अगर लाइन का टुकड़ा है, जैसे अगर लाइन में से हमने एक छोटी सी लाइन ले ली, वो कहता है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। सपोज करो ये लाइन है, मैंने इसमें से ये ले ली, इस तरह से यहाँ ले ली इतनी, इसको कहता है, इसको हम इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब जिसकी कोई लिमिट है यहाँ, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है आपका सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है, इटर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। थर्ड में क्या कहता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि जो सर्कल होता है हम उसको किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने इसको सेंटर माना तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया, इस तरह से ये सर्कल हो गया, यहाँ सेंटर आएगा इसका, कोई भी रेडियस हो सकती है, ये हो गया जैसे इसका, ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, तो किसी भी पॉइंट को हम सेंटर मानकर क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट एंगल्स, अब जब इसने राइट एंगल बोल दिया, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो सभी के सभी राइट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। फिफ्थ पोस्टुलेट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्या कहता है ये, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, गिर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, क्या कह रहा है देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है, ठीक है, मेक्स बनाती है द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसके एक ही तरफ पर जो इंटीरियर एंगल हैं, टेकन टूगेदर, उनको अगर हम इकट्ठा लें, लेस देन टू राइट एंगल, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, देन दी टू स्ट्रेट लाइन्स, तब वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगे, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर उनको हम आगे और प्रोड्यूस करें, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, वो किस तरफ एक दूसरे से मिलेंगे, जिस तरफ जो आपके राइट एंगल्स हैं उनका सम, जो आपके एंगल्स हैं उनका सम किससे कम होगा, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। देखना, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिगर में समझाती हूँ। जैसे कि हमने कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले ली, ये लाइन इसके ऊपर ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन से होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल वन और एंगल टू, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, एंगल थ्री एंगल फोर, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो एंगल वन प्लस एंगल टू है, इन दोनों का सम अगर क्या है, लेस देन 180 डिग्री, या फिर क्या बोले, टू राइट एंगल, 90 प्लस 90,
टू राइट एंगल 90 प्लस 90 हो गया, दैट इज 180। तो ये क्या कहता है कि किस कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब एक ही तरफ, या 1 प्लस 2 या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या कहता है, जिसका भी सम, जिन भी दो एंगल का सम टू राइट एंगल से क्या होगा, लेस होगा, जिसका कम होगा उसी साइड पर, जब इन लाइंस को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इस तरफ ऐसे आगे जब इनको प्रोड्यूस करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर जाकर ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, मिल जाएंगी। लेकिन किस तरफ मिलेंगी, जब उनका सम क्या होगा, लेस देन 180। अब ये ध्यान रखना बेटा, अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपके कभी भी नहीं मिलेंगे जहां पर दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। एक चीज़ आपको और बता दूं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आता है ये हमारे, कि ये जो एंगल होते हैं, ये जो एंगल होते हैं, ये दोनों हमारे कौन से होते हैं, ये एंगल होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल। कौन से होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, कब होते हैं, जब ये लाइन एल पैरेलल टू क्या होती है, एम के, जब एल पैरेलल टू एम होती है वहाँ पे को इंटीरियर एंगल होते हैं, और इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम, ये एंगल ए ये एंगल बी, मतलब ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है, 180। लाइंस जब पैरेलल होते हैं तब इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 होगा, क्लियर है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इधर भी 180 इधर भी 180, ये इधर भी कभी नहीं मिलेंगी, इधर भी कभी नहीं मिलेंगी, इसीलिए लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल होती हैं। लेकिन अगर ये एंगल आपके क्या है, लेस देन 180 है, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 नहीं है, तो एक साइड में तो लाइनें आपके मिलेंगी और एक साइड में कभी भी नहीं मिलेंगी। इस साइड तो मिल जाएंगी एक पॉइंट पे, बट इस साइड ये कभी भी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसने 5th पोस्टुलेट में क्या बोला, यही चीज़ बोली है कि जब आप दो स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड व्हेन इज लेस देन टू राइट एंगल्स देन द लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड मीट एट ए पॉइंट, व्हेन हम लाइन, जब हम लाइन्स को प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक पॉइंट पे क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगी, मिलेंगी, क्लियर है। तो ये था आपका 5th पोस्टुलेट, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम, बहुत आसान चीज़ें एक्सरसाइज में। 5.1 है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, आपके आंसर्स के लिए रीजन दो। क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। यह क्या कहता है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास करती है, कर सकती है। अब ध्यान देना, अगर मैंने आपको ये पॉइंट दे दिया, यहाँ पर दे दिया एक पॉइंट, इससे कितनी लाइन पास करेगी, एक तो कर गई, ये भी तो जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, जा सकती है ना। तो सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास करती हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। क्या लिखोगे, सिंस फ्रॉम वन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। सेकेंड में है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट। अब दो अलग अलग पॉइंट की तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ कितनी लाइन पास करेंगी, वन लाइन, ओनली वन लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, कि टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ ही इनडेफिनेटली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल आपके इक्वल हैं देन देयर एरिया आर इक्वल, बिल्कुल, अगर कोई भी दो सर्कल इक्वल हैं, इक्वल कब होंगे, जब उनका एरिया इक्वल होगा, और एरिया कब इक्वल होगा, जब उनकी रेडियस सेम होगी। तो अगर आपके सर्कल इक्वल हैं तो रेडियस क्या होंगी आपकी, दोनों की इक्वल होंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। फिफ्थ देखो, ये कहता है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, मतलब ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, देन ए बी इक्वल टू, सीधा सा फैक्ट है, ये लाइन इसके बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। सेकेंड है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इनकी डेफिनेशन देनी है आपको, पैरेलल लाइन आपको पता है, डेफिनेशन मैं आपको पीछे लिखवा चुकी हूँ, तो उन्हीं में से लिखनी है आपको, ठीक है। सिलेक्ट करके, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर, उन्हीं से आपको करनी है ये सारी चीज़ें, कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, नीचे इन्होंने यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि नीचे आपको दो पोस्टुलेट दे दिए, ठीक है। क्या दिए इसने, क्या कहता है फर्स्ट में, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी,
आपको इसने ए और बी कोई भी दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, हम यहाँ कहता है कि यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड में क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स, यहाँ पर कम से कम तीन पॉइंट ऐसे होते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि कभी भी सेम लाइन पर नहीं होंगे। कहता क्या करना क्या है, इसने तो हमें ये कह दिया कि दो पोस्टुलेट हैं, इनका करना क्या, क्या कहता है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एंड अनडिफाइंड टर्म, इन पोस्टुलेट्स में क्या बतानी है, कोई ना कोई अनडिफाइंड टर्म है, मतलब जिसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया वो बतानी है क्या है या नहीं है। फिर कहता है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लूड पोस्टुलेट, क्या ये इक्लूड पोस्टुलेट से हैं, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट में देखो क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि दो पॉइंट है ए और बी, वहां पर कोई तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है इन बिटवीन है देम, तो इसको आप किस तरह से बोलोगे। यहाँ पर बहुत सारी, मतलब इसने ये बोल दिया कि जैसे कि कौन कौन से, क्या इसमें बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म हैं, तो क्या बोलोगे, यस देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, बहुत से अनडिफाइंड टर्म हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने ये बोल दिया, देखिए यहाँ ये बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये ए और बी है, ये सी अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो नहीं बोला इसने कि मिडल में है, वन फोर्थ है, वन थर्ड है, पोजिशन तो फिक्स नहीं की इसने, तो ये क्या है आपकी अनडिफाइंड टर्म है, जिनको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब सेकेंड में ये दे दिया इसने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कोई भी तीन पॉइंट है जो सेम लाइन पर लाइन नहीं कर रहे, तो तीन पॉइंट सेम लाइन पे हो भी सकते हैं, हो सकते हैं ना, और नहीं भी हो सकते हैं, जैसे ये हो गए तो ये सेम लाइन पे कहाँ कर रहे हैं, या ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह बोलना है इसने, तो लिखोगे कैसे इसको, इसमें हमें इनको पोस्टुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिख दोगे कि यहाँ से स्टार्ट करना आप इसको, द गिवन टू पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना है इसको हमें, ठीक है। सेकंड में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, इसमें क्या लिख दोगे कि सेज दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन लाइन थ्रू ए एंड बी, हमने यही कहा है कि सी पॉइंट है ए और बी पे लाई नहीं कर रहा, कहीं बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अलग फॉर्म दे दी हमने इसको। फिर कहता है कि ये क्या ये एक्लूड पोस्टुलेट है को फॉलो कर रहा है, तो क्या लिखोगे, नो इट डज नॉट फॉलो एक्लूड पोस्टुलेट, ठीक है। तो ये एक्लूड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये लाइन सी टर्म्स में से लिखनी है, पीछे आंसर्स में भी दी हुई है, आप वहां से भी लाइन उठा सकते हैं, थोड़ा अलग फॉर्म में लिखना है लाइन्स को, और कुछ अलग नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर एक पॉइंट सी है आपका ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू क्या है आपका बी सी है, सो प्रूव दैट ए सी इक्वल टू वन बाय टू ऑफ ए बी, हमें ये प्रूव करना है कि जो ए सी है वो इक्वल टू क्या होगा, वन बाय टू ऑफ ए बी होगा। तो देखना जैसे ये है आपके, ये ए और बी है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मैंने यहाँ ले लिया सी पॉइंट है, ठीक है, ये ले लिया, इस तरह से दिख रहा है आपको, ए और बीच के बी में सी ले लिया, इसने कहा इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट गिवन क्या है यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी दिया है। अब देखो जो ए बी है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। अब जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के हैं, तो हम यहाँ बी सी की जगह ए सी रख सकते हैं, क्योंकि आंसर में देखो हमें ए सी इक्वल टू वन बाय टू ऑफ ए बी करना है, तो बी सी की जगह क्या रख दोगे, ए सी, ए सी ए सी, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए सी, सो ए सी इक्वल टू क्या आ गया, वन बाय टू ऑफ ए बी, ए सी क्या आ गया आपका, वन बाय टू ऑफ ए बी, यही हमें क्या करना था, शो एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया, सी इसका सेंटर पॉइंट है, कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। फिफ्थ है,
इन क्वेश्चन फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या कहता है, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसने कह दिया कि जो ये हमने सी पॉइंट लिया था इसको हम क्या मानेंगे, इसका मिड पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये शो करना है। तो इसने देखो क्या दिया है हमें, हम इसने यहाँ दे दिया ये है ए बी, ये इसका मिड पॉइंट है सी, मैंने यहीं पे एक और पॉइंट मान लिया डी। क्या लेट कर लिया मैंने, लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मैंने लेट किया है, ये चीज ध्यान रखना, लेट किया, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो यहां से क्या होगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि ए डी इक्वल टू क्या जाएगा, डी बी जाएगा आपका, ए डी इक्वल टू क्या चला जाएगा, डी बी। लेकिन इसने क्या दे रखा है, सी मिड पॉइंट दे रखा है, बट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है आपको। अगर सी मिड पॉइंट है तो यहां से क्या जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू क्या जाएगा आपका, सी बी जाएगा, ए सी इक्वल टू सी बी। अब क्या करोगे, इसको फर्स्ट रखा मैंने, इसको सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फॉर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो क्या लिख करोगे, देखो ए डी माइनस में ए सी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी आपकी। ए डी माइनस में सी डी क्या रखा है, ए डी माइनस में ए सी रखा है, तो क्या बचेगा आपके पास, सी डी बचेगा, ये आ गया आपका सी डी, ठीक है। अब देखो डी बी माइनस बी सी, ध्यान देना बी सी ज़्यादा है और डी बी कम है तो नेगेटिव बचता है। अब हमें पता है अगर हम लेते हैं टू माइनस फाइव तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा, माइनस का थ्री आता है, नेगेटिव जाएगा क्योंकि जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस, तो डी बी माइनस सी बी है तो नेगेटिव में बचेगा, नेगेटिव में क्या बचेगा आपका सी डी, क्योंकि अगर हम बी सी में से बी डी माइनस करेंगे तो फिर से सी डी ही बच रहा है, माइनस सी डी, इसको इधर ले आओगे तो सी डी प्लस सी डी इक्वल टू जीरो, उधर टू सी डी इक्वल टू जीरो, सी डी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, सी डी का मतलब सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल जीरो है। क्या अगर कोई भी दो पॉइंट है, ये पॉइंट है ये पॉइंट है, मतलब यही लगा लो, इनके बीच का डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब ये दोनों एक ही होंगे, इट मीन्स दैट सी एंड डी आर सेम पॉइंट, दोनों ही क्या है, सेम पॉइंट है। इट मीन्स वी कैन से दैट एनी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होंगे, क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ दो बना रखे थे, लेकिन दो से भी हमारा क्या आया कि ये तो एक ही पॉइंट है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, दो नहीं होंगे, कर लेंगे। सिक्स्थ है, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ पे क्या दे दिया, देखो इसने ए सी इक्वल टू दे दिया बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूव करना है बहुत आसान है, क्या दिया है यहाँ पे इसने, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे देखो ए सी, ए सी बताओ मुझे क्या है, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी मैंने लिखा इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर है बी डी, बी डी, बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। बट ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या है आपको गिवन है, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी की जगह तो इक्वेशन फर्स्ट को रखोगे ए बी प्लस बी सी, और बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी, इक्वालिटी है तो सेम चीज़ें कट हो जाएंगी, क्या आ गया ए बी इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आंसर कर लेंगे सभी, ठीक है। फिर सेवन्थ में क्या कहता है, Y इज ऑक्सियम 5, जो आपका ऑक्सियम 5 है, अब ऑक्सियम 5 है क्या, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, पहले आपको ऑक्सियम 5 पता होना चाहिए कि ऑक्सियम 5 है क्या, ये थे एक्लुइड्स ऑक्सियम, इसमें 5 ऑक्सियम क्या है, ये क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब होता है, होल होता है कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इज ग्रेटर देन द पार्ट,
पार्ट का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा, ठीक है। अब आपकी एक नोटबुक है, नोटबुक के अंदर का जो पेज है वो उस नोटबुक का ही हिस्सा है। तो होल, होल मतलब है जो पूरा का पूरा, पूरी नोटबुक है वो एक पेज से तो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि नोटबुक में ज्यादा पेजेस और सिंगल पेज एक ही है। तो इसने क्या बोला है, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। अब ये क्या कहता है कि वाई इज ऑक्सियम फाइव, जो ऑक्सियम फाइव है इन द लिस्ट ऑफ एक्लूड ऑक्सियम कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है, क्यों माना गया है बेटा, क्योंकि ये हर चीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। होल का मतलब है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर लो, किसी भी मतलब ये कहें हम लिविंग थिंग पे कर लो या नॉन लिविंग थिंग पे कर लो, होल इज पार्ट, ग्रेटर देन पार्ट, क्योंकि आप होल में से पार्ट को निकालते हो ना कि पार्ट से होल बनाते हो, ठीक है। होल में से कोई बड़ी चीज है उसमें से कट करके हम हिस्सा बनाते हैं, बनाते हैं ना। तो क्या बोलोगे इसको, क्या लिखोगे यहाँ पे कि इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स, सो इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ये हर चीज के लिए ट्रू है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया, क्लियर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।